नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। हुंकार किस मुद्दे पर है ये मैं बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए। विपक्ष को एकजुट करने दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा है कि वो पीएम की रेस में नहीं है, बल्कि विपक्ष की एकजुटता के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, मैडम आएंगी विदेश से तो उनसे मिलने के लिए स्पेशल तौर पर मैं दिल्ली आऊंगा। मैडम से माने थे सोनिया गांधी के। सोनिया गांधी इस वक्त विदेश में है, अभी रिसेंटली उनकी माँ का इंतकाल हो गया और इसीलिए वो वहाँ अपने मायके में हैं। लेकिन इस बीच देश में बीजेपी के खिलाफ एकता हो जाएगी तो देश का भला होगा। अपने लिए नहीं, देश के लिए एकजुट होंगे। नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं मुलाकातों के दौर के बाद, सुनिए। कर नहीं रहे देश का, ऐसे ही अपना खाली पूरे देश पर कब्जा करने का ही इसका चल रहा है, तो इसलिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। तो उसमें सब को देख रहे हैं कि अब इसके लिए कुछ दिन के बाद ही बहुत अच्छा होगा। और अब मेरे बारे में तो हम आपको बार बार बोलते हैं, हमारा निजी कोई च्वाइस नहीं, हमारा बस एक ही च्वाइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम होगा। सुना जाएगा, आपस में बात करके सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश जी, मैंने हमको नहीं चाहिए, अन्य जो भी चाहेंगे उसमें देख लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। अभी तो कई लोगों से बात हो ही गई है, आगे भी कुछ और लोगों से सब कुछ हो जाएगा और तब जब जरूरत पड़ेगी तो एक साथ भी बैठेंगे, वो तो आगे की बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। कांग्रेस की भूमिका क्या? एक हम देखने, कांग्रेस वाला भी ठीक है, उनसे भी पूरी बात की। और मैडम आएंगी, कभी बाहर गई हुई है तो उनसे मिलने के लिए भी आएंगे। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार। और महज नीतीश कुमार की बात नहीं है ना, बात तो पूरे विपक्ष की है और विपक्ष के अलग अलग एजेंडा की है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हम एकजुट होना चाह रहे हैं। वो कैसे, अभी आप समझेंगे। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत कर रही हूं हुंकार में। ये देश का सबसे ईमानदार डिबेट शो है। हम देश में जो विवाद हो रहा है उस पर संवाद करने की कोशिश करते हैं। मैं क्लियरली बता देना चाहती हूं, देशहित में होने वाले संवाद में आज बात उनकी, जो बजा तो रहे हैं अपनी अपनी डफली, छेड़ रहे हैं अपना अपना राग, लेकिन कर रहे हैं विपक्षी एकता की बात। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, आपसे कुछ ही देर में झंडी पकड़ाएंगे, उसके बाद कल ऑफिशियली जो भारत जोड़ो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। इधर बिहार से दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, एक के बाद एक मुलाकात कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर से मिल रहे हैं विपक्ष के। 5 तारीख से जो मिलने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट अभी कह दिया कि मैडम आएंगे तो दोबारा आऊंगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो हो या विपक्ष जोड़ो, क्या ये सब करने से कोई तोड़ पाएगा नरेंद्र मोदी का मैजिक? इस वक्त भारत ही नहीं पूरी दुनिया पर यह मैजिक कायम है। अभी रेटिंग आई थी जिसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी अगर पूरे दुनिया भर में किसी देश में किसी नेता की है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75% के आसपास थी। 2014 से लेकर आज तक जितने भी बड़े चुनाव हुए हैं उसमें आपने देखा कि चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे वो दूसरे बड़े फैसले रहे हों जिस पर विपक्ष बार बार उनको घेरने की कोशिश कर रहा था, रिजल्ट उनके फेवर में आया। और ऐसे में आज चर्चा इस पर करना जरूरी है कि अब जो विपक्ष लामबंदी की बात कर रहा है अपने अलग अलग एजेंडा के साथ, अच्छा ये भारत जोड़ो विपक्ष जोड़ो का तो मैंने जिक्र किया, उधर अरविंद केजरीवाल कल जो है वो लेट्स मेक इंडिया नंबर वन अगेन, इस पर अपना मिशन छेड़ने वाले हैं। बातचीत करने के लिए प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के। चरण सिंह सापरा साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। दिल्ली में ही माधव आनंद जी हैं, प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के। सोमनाथ सिंह रॉय साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। शिवम त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। और शुभ्रास्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि लेखिका है। प्रेम शुक्ला जी, देख लिया आपने, बहुत एनर्जी लग रही है, पूरी लामबंदी हो रही है, एक भारत जोड़ा है, दूसरा विपक्ष जोड़ा है और तीसरा भारत को एक बार फिर से नंबर वन बनाएगा, किसी भी कीमत पर आपके तिलस्म को तोड़ना है। इतना तो मान रहे हैं कि तिलिस्म है, तो जब तिलिस्म है तो उस तिलिस्म को तोड़ने के लिए जो है इनके पास शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति कहाँ है? आप मुझे बताइए, जो विपक्ष जिस तरह से एकीकृत होने की बात कर रहा है उसमें से विपक्ष के पास 186 सीटों पर कांग्रेस पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबले में आई थी और 90% सीटों पर जो है कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी
7 सीटों पर भाजपा से सीधे मुकाबिल हुई थी और 100% सीटों पर चुनाव हार गई थी। 70 सीटों पर सपा बसपा, 80 सीटों पर सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई थी, यानी 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई। प्रेम जी, ये तो कल की बात हो गई ना, ये तो आने वाले कल की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जनता त्रस्त है, महंगाई, बेरोजगारी, रुबिका जी, रुबिका जी, मैं आगे की भी बात कर रहा हूँ, मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, मैं वही पृष्ठभूमि आपको बता रहा हूँ। विपक्ष एक हो गया, मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी का केरला में जो है कांग्रेस में विलय करने में उनको सफलता मिल जाएगी। AIADMK और DMK कांग्रेस में विलीन हो जाएंगी तमिलनाडु में। TRS और जो है तेलुगु देशम पार्टी एक हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि YS जगन्नाथ, YSR कांग्रेस जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, हाँ? और तेलुगु देशम पार्टी, ये दोनों का भी विलय आपस में हो जाएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी आपस में विलय हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पार्टी का आपस में विलय हो जाएगा। मुझे इसमें कोई आशंका नहीं, कर ले विलय, वो कौन मना कर रहा है उनको। सुन लिया सापरा साहब, आप यहाँ भारत जोड़ रहे हैं, ये सारी पार्टियां भी जोड़ लीजिए, लेकिन वो जो आप चाह रहे हैं वो हो ना पाएगा। और विपक्ष तो, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आप पर इसलिए लोग नजर गड़ाए बैठे हैं, आज भारत जोड़ रहे हैं आप लोग। आपके पुराने जितने छूटे साथी वो कह रहे हैं भैया हमको तो जोड़ लो पहले। नहीं 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 सापरा साहब, पहले अपने आप को अनम्यूट करना होगा आपको। नहीं नहीं ऑडियो नहीं आ रहा है, स्काइप का ऑडियो अनम्यूट करना होगा सापरा साहब। मैं चाहती हूँ कि इशारों इशारों में आपकी बात समझ जाऊं, पर वो हो ना सकेगा प्रभु। हाँ मैं ठीक कर लेती हूँ आवाज आपकी, उसके बाद आते हैं, उसके बाद आप मैं चाहती हूँ बुलंद आवाज में आप कहें भारत जोड़ो, कांग्रेस जोड़ो, बाकी तमाम जो नेता चले गए उनको भी जोड़ो। ये मिशन इम्पॉसिबल फिर क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे होंगे। मिशन इम्पॉसिबल को क्या पॉसिबल किया जा सकता है, इस वक्त ये डिबेट का विषय है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर अब सबसे बड़ी मुसीबत। केजरीवाल पर 26 लाख के स्टैंप ड्यूटी चोरी का आरोप लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 प्लॉट को ज्यादा कीमत पर बेचने का आरोप है और कम दिखाया गया है, कीमत कम दिखाई है। 3 प्लॉट को लगभग 4 करोड़ 54 लाख रुपए में बेचा, लेकिन कागज पर महज 72 लाख रुपए दिखाया है। केजरीवाल पर यह बड़ा आरोप, सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त। 3 प्लॉट को ज्यादा कीमत पर बेचा लेकिन दिखाया कम, और इस लिहाज से 26 लाख की स्टैंप ड्यूटी चोरी का आरोप लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस पूरे मसले पर जांच के आदेश दे दिए हैं। LG ने मुख्य सचिव से बकायदा रिपोर्ट तलब की है। 3 प्लॉट की कीमत कम दिखाई है और मामला यह है कि 3 प्लॉट की जो कीमत थी वो लगभग 4 करोड़ 54 लाख रुपए थी, उसमें बेचा था, लेकिन कागज पर महज 72 लाख रुपए दिखाया गया है। ये अब मामला बहुत आगे जाने वाला है। अब तक मनीष सिसोदिया पर शराब नीति को लेकर तमाम तरीके के आरोप लग रहे थे। उससे पहले सत्येंद्र जैन पर घपले के, गबन के आरोप लगे, और अब सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहा है, स्टैंप चोरी का आरोप लग रहा है, स्टैंप ड्यूटी चोरी का आरोप लग रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस मसले पर जांच के आदेश दे दिए हैं। आशीष मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये क्या पूरी खबर है, ये तो एकदम नया मामला, एक नया टर्न। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटेरिएट के सोर्सेज ने हमें बताया है कि कंप्लेंट रिसीव हुई थी LG साहब को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी के खिलाफ कि अंडर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी किया था और टैक्स डिविजन किए थे, मल्टीपल कंप्लेंट थी। बड़ी बात यह है कि इन कंप्लेंट्स को दिल्ली के LG ने
चीफ सेक्रेटरी को फॉरवर्ड करके इस पर नेसेसरी एक्शन के निर्देश दिए हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की पैरवी की गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से। और इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि अब दिल्ली एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच जो टकराव लगातार दिख रहा था वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं फिर से दोहरा दूं, जो लोकायुक्त के सामने कंप्लेंट थी उन कंप्लेंट की कॉपी मिली थी एलजी को, और एलजी ने उसके आधार पर चीफ सेक्रेटरी से चीफ मिनिस्टर और उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई करने की पैरवी की। आशीष, ये कंप्लेंट में है क्या और कोई जानकारी है कंप्लेन किसने की है, कब की कंप्लेन है, एकदम ताजा है कि फाइलों में दबी हुई थी? देखिए, ये पहले की कंप्लेंट है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये कंप्लेंट लोकायुक्त को की गई थी सीएम के खिलाफ, और इसमें आरोप लगाए गए थे इन कंप्लेंट्स में, एक नहीं एक से ज्यादा कंप्लेंट है कि कई जगहों पे प्रॉपर्टीज के अंडर वैल्यूएशन किए गए थे मुख्यमंत्री द्वारा उनकी पत्नी के नाम पर, जिस आरोप के दम पर चीफ सेक्रेटरी से कार्रवाई की मांग की गई है, और इसके साथ ही टैक्स का इवेजन किया गया था। तो संगीन आरोप है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, जिसका संज्ञान लेते हुए इन कंप्लेंट्स को आधार बना करके दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी से इस पर कार्रवाई की मांग की। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए, हम दोबारा अपनी डिबेट पर लौटेंगे। लेकिन तस्वीर देख लीजिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्या ये मिशन इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल है, आज ये सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। विपक्ष जोड़ने का कार्यक्रम तो नीतीश कुमार कर ही रहे हैं, केसीआर बिहार में जाकर तमाम लोगों से मिलकर आए, वहां उठ बैठ वाला सिलसिला भी आपने देख लिया, लेकिन क्या ये सब एक हो जाएंगे और मोदी को हरा पाएंगे, आज इस पर बहस हो रही है। सापरा साहब, उस वक्त आप म्यूट थे, अब अनम्यूट मेरे ख्याल से हो चुके हैं, अब मुझे बता दीजिए भारत जोड़ो कि पहले कांग्रेस जोड़ो। देखिए रूबिका जी, सर्वप्रथम तो जो आपने ये मिशन इम्पॉसिबल मैंने अभी आपके यहाँ स्क्रीन पर पढ़ा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, मैं किसी के ऊपर टच नहीं कर रहा हूँ, मुझे नेपोलियन की वो लाइन याद आई जो मैंने स्कूल में पढ़ी थी कि इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन डिक्शनरी ऑफ फूल, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर विपक्ष या नीतीश कुमार भी कोई प्रयास कर रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी अलग से कोई प्रयास कर रही है, तो मेरे ख्याल से लोकतंत्र के अंदर वो हमारा दायित्व बनता है, हम वो प्रयास कर रहे हैं वो दायित्व के चलते। आपको याद होगा 2004 में भी इसी तरह से शाइनिंग इंडिया की बात हुई थी, और शाइनिंग इंडिया और अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी से भी बड़ा था, लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी हारे, बीजेपी हारी, उनको कुछ 138 सीटें आई थी, कांग्रेस को 145 सीटें आई, एक गठबंधन बना, यूपीए बनी, और उस यूपीए में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, आपने जो भी एक चीज बोली है उसमें कहीं भी मैं इधर उधर नहीं करूंगी, लेकिन उस वक्त बीजेपी को छोड़कर कोई इधर उधर भाग नहीं रहा था, बीजेपी के तमाम बड़े सिपाही जो हैं उस वक्त एक ही मिशन में लगे हुए थे। दिस इज नॉट इन योर केस सर, ये आपके केस में कतई नहीं है, आपकी पार्टी तितर बितर है, आपकी पार्टी के तमाम बड़े मजबूत पिलर आपको टाटा बाय बाय कर गए हैं, तो आप 2004 से अपने आप को इस बार तो कंपेयर ना करें, बेहतर रहेगा, यानी उस वक्त की बीजेपी और इस वक्त की कांग्रेस को आप नहीं कंपेयर कर सकते, वहां सब सिपाही के तौर पर काम कर रहे थे, आपके यहां पर आज ऐसा होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है, ये सच्चाई है। देखिए रूबिका जी, कोई तितर बितर वाली बात जो है वो आप तक ही वो तितर बितर वाली बात है, हम तो ये देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ये एक फैक्ट्री है, एक कार्यकर्ता निर्माण करने की फैक्ट्री है, एक नेता निर्माण करने की फैक्ट्री है, और हम तो यही सिखाते हैं कि भाई जहां भी कहीं फैक्ट्री में माल बनता है और उसके बाद मार्केट में जाकर वो दूसरी पार्टियों द्वारा ले लिया जाता है। रूबिका जी ये क्या बात है, आप एक सवाल पूछती है उसका उत्तर पूरा नहीं लेती है, थोड़ी ईमानदारी से हम डिबेट कर लेना मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी 136 साल पुरानी पार्टी है, ऐसा बहुत सा समय कांग्रेस ने देखा है, 1977-78 में भी देखा, 88-79 में भी देखा, 98-99 में भी देखा, तो ये दौर से हम गुजरे हैं, तो एक विशाल पार्टी है, हम इसको समय समय पर मजबूत करते रहे हैं, अगर कोई जाता है तो उसकी जगह में नए लोग आते हैं। और जहां तक राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, आपने उसका भी जिक्र किया, तो ये राहुल गांधी जी का जो युद्ध है ये महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के विरुद्ध है, जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये अहंकारी सरकार महंगाई पर कांग्रेस पार्टी जो है और विपक्ष पूरा 2-2.5 साल से जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, संसद में भी और सड़क पर भी। संसद में हमें मात्र 25 मिनट मिले बोलने के लिए, इसलिए हमने तय किया
कि जो सरकार हमको संसद में नहीं बोलने देती है उस सरकार के खिलाफ हम लोक अदालत में जाएंगे, लोगों की अदालत में जाएंगे और लोगों की अदालत में हम ये उजागर करेंगे। आप किसी में बट बिकॉज यू मेंशन इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज आई एम पॉसिबल, तो मुझे भी एक कहावत अंग्रेजी वाली याद आ गई है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप पहले घर पर अपने काम करना शुरू कर दीजिए और घर से मेरे माने हैं कांग्रेस। आप कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको ऐसे दर्जन नाम गिना दूंगी जो आपके मजबूत सिपह सालार थे जो आपको बाय कहकर चले गए हैं। आप कह रहे हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पार्टी, आप पार्टी को अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो जनता को ये देख कर फर्क पड़ेगा कि आप जब उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो आप जनता का क्या ख्याल रख पाएंगे। जब आप अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं तो पूरा देश क्या संभाल पाएंगे, ये सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। सापरा जी, अब मैं रोक रही हूँ आपको। सुशील कुमार मोदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर जरा उनका रुख कर लेते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक, सुशील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीतीश कुमार जिनसे आपके पुराने ताल्लुकात रहे हैं, पुराना रिश्ता है, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, जगह जगह वो मुलाकात कर रहे हैं सर, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे पीएम नहीं बनना है लेकिन मैं इस पीएम को हरा कर रहूंगा, अभी तक का माहौल शानदार रहा है। देखिए, कोई आदमी दिल्ली जाएगा और किसी को फोन करके कहेगा मैं मिलना चाहता हूं तो कौन इनकार करेगा, तो मिलने में क्या लगता है। लेकिन क्या ये दावा कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को वो एक साथ बैठा पाएंगे? क्या केरल के अंदर लेफ्ट और सीपीएम लेफ्ट और कांग्रेस को एक साथ बैठा पाएंगे? क्या बंगाल के अंदर लेफ्ट और ममता बनर्जी को एक साथ बैठा पाएंगे? तो इस पॉलिटिकल टूरिज्म का तो कोई मतलब नहीं है ना। अभी तो दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है, आज अरविंद केजरीवाल भी यात्रा पर निकल रहे हैं, राहुल गांधी भी यात्रा पर निकल रहे हैं, नीतीश जी भी दिल्ली यात्रा पर हैं, ये तो दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जिस शरद यादव से आज वो मिलने गए थे, उन्हीं शरद यादव को इन्होंने कितना जलील अपमानित करके पार्टी से निकाला था, उनकी मेमोरी ख़त्म करवा दिया, उनका घर खाली करवा दिया। देखिए, अभी तक नीतीश जी ने अपने पार्टी के तीन राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जॉर्ज फर्नांडिस, आरसीपी सिंह, शरद यादव, तीन अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जलील करके, बेइज्जत करके पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। और आज जो ललन सिंह उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं और फिर माफ़ी मांगकर वापस आए। ये उपेंद्र कुशवाहा, ये भी इनके द्वारा एक्सपेल्ड किए जा चुके हैं। तो देखिए, अब इनको इसलिए दिल्ली जाकर कितना भी प्रयास कर लें, ये जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जोड़ना ये असंभव काम है। अब ये कोई कहे कि सब लोग ईमानदार हो जाएं तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सारे लोग अगर एकजुट हो जाएं तो नरेंद्र मोदी का मुकाबला हो जाएगा। अरे भी कैसे एकजुट हो सकते हैं, एकजुट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। नहीं, लेकिन सुशील जी, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, चेहरे पर मुस्कुराहटें दिख रही है, एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज, एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, इसके क्या माने हैं? देखिए, ये मुस्कुराहट और कॉन्फिडेंस तो जब दो सीट आई थी तो भी दिखाई पड़ रहा था। तो नेताओं के चेहरे की मुस्कुराहट और कॉन्फिडेंस पर मत जाइए। जब लालू यादव 24 पर पहुंच गए, उसके एक दिन पहले तक वो सीना तान कर रहे थे कि सरकार बना रहे, तो इनके बोलने में और इनके करने में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई, नीतीश जी अगर किसी को फोन करेंगे तो कोई मना करेगा क्या? अब मत आइए मिलने के लिए, या वो अगर मिलना चाहें तो कोई मना करेगा क्या? लेकिन क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है? वो यात्रा पर निकल रहे हैं, और आपने ठीक कहा कि जिनका घर नहीं संभल रहा है, जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि आटा लीटर में बिकता है कि किलो में बिकता है, वो खैर अच्छा, दो राज्यों तक सरकार सिमट गई, यानी कांग्रेस दो राज्यों तक सिमट गई, तो आज वो यात्रा पर निकल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी यात्रा पर निकल रहे हैं, आज हिसार से कहीं हरियाणा से यात्रा शुरू कर रहे हैं भारत को नंबर एक बनाने की। अभी बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारा पर्यटन, बहुत सारे लोग इसमें दावेदारी करने वाले हैं। लेकिन देखिए, ये नरेंद्र मोदी को कमजोर नहीं हो रही क्या? इससे बीजेपी को चिंता नहीं हो रही है? इससे बीजेपी को डर नहीं लग रहा है कि सबके सब मिल गए हैं, एक हो गए हैं? नहीं देखिए, डर इसलिए नहीं लग रहा, मालूम है कि ये कभी एक हो ही नहीं सकते। मैंने तो कहा ना, क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस एक मंच पर आ सकते हैं क्या?
एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं क्या दिल्ली में, इसी का जवाब देते हैं केजरीवाल। और अभी जब केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई का रेड हुआ तो कांग्रेस ने उस रेड का स्वागत किया, और जब नेशनल हेराल्ड मामले में जब सीबीआई ईडी का रेड हुआ या कार्रवाई हो रही थी तो संसद के अंदर तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों ने चुप्पी साध लिया। तो इसे मैंने कहा ना कि यह तो वैसे ही है कि देश के सारे लोग अगर ईमानदार हो जाएं तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भाई हर राज्य का अपना अलग अलग स्थितियां हैं, किसी की लड़ाई किससे, किसी की लड़ाई किससे। तो सुशील जी, कोई एक ऐसा चेहरा आपको आज की तारीख में दिखाई दे रहा है जो इनको बांध सकता है? ममता बनर्जी, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी तो एक साथ मंच पर आ ही नहीं सकते, लेकिन कोई एक चेहरा जैसे नीतीश बाबू कह रहे हैं मैं फेविकॉल हूँ, मैं सबको बांधूंगा। देखिए वो मालूम पड़ जाएगा ना कि वो फेविकॉल है या क्या है। देखिए इनका मुख्य उद्देश्य है कि एक नरेंद्र मोदी को कमजोर कर दिया जाए, देश में एक कमजोर सरकार बने, एक मजबूत प्रधानमंत्री न बने, एक ऐसा प्रधानमंत्री बने जिसका अपना पूर्ण बहुमत नहीं हो। और देखिए देश अब 90 के दशक में लौट के नहीं जाना चाहता है। लोगों ने गुजराल, देवगौड़ा, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, इन सारे दौर को देखा है कि फिर एक बार कहीं कटोरा लेकर अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड के दरवाजे पर न जाना पड़े। अगर कल पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करना है तो क्या कोई कमजोर प्रधानमंत्री मुकाबला कर पाएगा? इनका उद्देश्य इतना ही है। और जो नीतीश जी अपने राज्य में 2 लोकसभा की सीट नहीं जीत पाए, जिनकी अपनी सीटों की संख्या 115 से घटकर धीरे धीरे 45 पर पहुंच गई, वो सपना देख रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। देखिए चर्चा में आ गए, इनका एक ही उद्देश्य था कि पिछले 2-3 साल से चर्चा में नहीं थे, लाइमलाइट में नहीं थे, अब दिल्ली आए, गठबंधन तोड़ दिया, रोज मीडिया में छप रहा है, रोज फोटो छप रही है उनकी, बस इतना ही उनका मकसद, इससे ज़्यादा उनका मकसद क्या हो सकता है? और इनको लालू यादव पर भरोसा है क्या, या लालू यादव को इन पर भरोसा है क्या कि कब धोखा दे देंगे? तो लालू यादव तो खुद ताक में बैठा है सुशील जी, कब जनता दल यू को तोड़कर अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पीछे अलग ही खेल चल रहा है बिहार में, ये सरकार पूरा अपना टर्म नहीं कर पाएगी? जी भाई, 114 विधायक हैं तेजस्वी यादव के साथ, और 3 बाई इलेक्शन है, 4 विधायक जो हैं ये माजी जी के, जो कभी भी पाला बदल सकते हैं। तो जिस दिन चाहेगा तेजस्वी यादव या लालू यादव 2 विधायकों का समर्थन लेकर, और चूंकि स्पीकर राष्ट्रीय जनता दल का है तो जनता दल को तोड़ देगा, तो नीतीश जी अपनी सरकार बचाए, अपनी पार्टी बचाइए, सरकार नहीं अपनी पार्टी बचाइए। इनके पार्टी में बगावत हो रही है, मणिपुर में क्यों चले गए, अरुणाचल में क्यों चले गए? वो उनको इस निर्णय से वो सहमत नहीं थे कि नीतीश जी ने जो कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया तो मणिपुर और अरुणाचल के जो विधायक हैं वो कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते थे। और आज भी जनता दल यू के बड़ी संख्या में विधायक हैं जो या तो टूट कर चले जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल में, कुछ हमारे साथ आ जाएंगे और कुछ चले जाएंगे कांग्रेस के अंदर। आगे भविष्य क्या है इनकी पार्टी का? 2025 के बाद नीतीश कुमार की पार्टी का भविष्य क्या है? इसमें तो कोई विरासत है नहीं, कोई परिवारवादी पार्टी है नहीं, तो इनकी पार्टी का क्या होगा? तो विधायक भी तो देख रहे जनता दल यू के कि उनका भविष्य कहाँ पर है, किनके साथ उनका भविष्य है। तो इसलिए देखिए बिहार के अंदर एक राजनीतिक अस्थिरता, एक राजनीति प्रारंभ हो गई, अब तो काम विकास का काम गौण हो गया, अब तो विकास गौण, और यही उठा पटक राजनीति, दिल्ली पटना, हफ्ते में 5 मंत्री दिल्ली कैंप कर रहे हैं, बिहार की चिंता नहीं है। तो बिहार सरकार के 5 मंत्री दिल्ली में नीतीश जी के साथ कैंप कर रहे हैं, तो हफ्ते में 3 दिन दिल्ली, 3 दिन पटना, और बिहार जो है जनता ने जनादेश दिया था आपको बिहार के मुख्यमंत्री के लिए, आपको इसलिए जनादेश नहीं दिया था कि आप हफ्ते में 3 दिन दिल्ली जाकर बैठें और नरेंद्र मोदी की सरकार को कमजोर करने के लिए आप साजिश रचें, इसके लिए आपको लोगों ने वोट नहीं दिया था। और देख लेंगे अगला चुनाव, इनको लगता है कि महागठबंधन हो गया, तो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ 2019 में उत्तर प्रदेश में भी तो महागठबंधन बना था, मायावती और ये समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, और क्या मीडिया ने कहा था और क्या हुआ, 64 सीट हम जीते। तो आप ये कह रहे हैं गठबंधन बना देने से कोई वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं होता। आप ये कह रहे हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ज्यादा सुनहरा इन विपक्षी पार्टियों का और खासकर बिहार में नीतीश बाबू का लग नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।
सुशील साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुशील मोदी ने यहाँ कुछ बड़े आरोप लगाए हैं और सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। माधव आनंद जी, मैं चाहूंगी अब आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, मैं तीखी भी जोड़ देती हूँ अगर आप चाहें तो। देखिए आदरणीय सुशील मोदी जी कितने क्लोज रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी की, सबको पता है। और यही सुशील मोदी जी नीतीश जी के लिए क्या क्या अच्छे शब्दों का भी एक्सप्लेन करने का काम किया। आज स्वाभाविक है, आज हम लोग का गठबंधन किसी दूसरे दल के साथ है, इनके साथ हम लोगों ने गठबंधन तोड़ा है, तो इनसे हम लोग आशा भी बहुत ज्यादा नहीं रख सकते हैं कि भाई विपक्षी एकजुटता का जो मुहिम हम लोगों ने चलाया है, जो पीड़ा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उठाया है, उसका वो समर्थन करेंगे। और देखिए लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष जो है सो मजबूत हो, और विपक्ष मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। और इसमें चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या आदरणीय नीतीश कुमार जी की भूमिका हो, अगर जनता से लगातार संवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नहीं तो एक सेकंड माधव आनंद जी, तो आप 2024 में तैयारी क्या मजबूत विपक्ष की कर रहे हैं? देखिए जब विपक्ष मजबूत होगा तभी तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे ना। हम लोग का किससे विचारधारा की लड़ाई है, बीजेपी के साथ हम लोग की लड़ाई है, तो बीजेपी को अगर टक्कर देनी है तो स्वाभाविक है तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। और इसी मुहिम में आदरणीय नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं, और आप ही रूबिका जी आप ही इसी देश के निवासी हैं, आप ही चाहती होंगी कि यह सो विपक्ष जो है सो मजबूत हो। विपक्ष मजबूत होगा तभी लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। और आज सर विपक्ष को सही कह रहे हैं आप, डेमोक्रेसी में विपक्ष को मजबूत होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर मजबूती तो नीतीश कुमार को अपनी चाहिए, राहुल गांधी को अपनी चाहिए, ममता बनर्जी को अपनी चाहिए, केसीआर चाहते हैं मैं मजबूत हो जाऊं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबको अपनी अपनी मजबूती चाहिए। यहाँ विपक्ष एकजुट तो हो जाएगा लेकिन उसमें कहेगा मैं सबसे मजबूत तो मैं तुम्हारा लीडर, इससे कौन पार पा पाएगा? शुभ्रास्ता जी पूरा खेल तो यहाँ आकर रुक जाएगा ना। बनने जा रहा हूँ आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो हमेशा खंडन किया कि मैं प्रधानमंत्री के रेस में नहीं। क्या ममता बनर्जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का चेहरा हूँ, या क्या अखिलेश जी ने कहा, किसी ने कहा? ये सब आप लोग बता रहे हैं। देखिए एकदम से नहीं माधव आनंद जी, देखिए मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ लेकिन आप लोगों के साथ बड़ा उठना बैठना है और ये खेल तो मैं भी समझती हूँ। कभी कोई ये बात कहता है माधव आनंद जी आप कहेंगे कि मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनना है, पर मन में तो आपके भी लड्डू फूटेगा ही ना, आप भी चाहेंगे ना कि मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनना है। सापरा साहब कभी कह पाएंगे कि मैं चाहता हूँ एक दिन उस अध्यक्ष पद की कुर्सी पे मैं बिराजू? वो कहेंगे थोड़ी, वो अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश बाबू आपको आगे बढ़ाएंगे तो आप कहेंगे मेरा नेता कैसा हो, नीतीश बाबू जैसा हो, मेरा पीएम कैसा हो, नीतीश बाबू जैसा हो। ये तो हम भी समझते हैं राजनीति का खेल। आप शुभ्रास्ता जी को बात रखने दीजिए, माधव आनंद जी फिर मैं आऊंगी आपके पास। शुभ्रास्ता जी, रूबिका जी पिछले कुछ दिनों में जो ये बात चल रही है विपक्षी एकता की, इसको सुनकर कैसा लगता है जैसे देश में जो विपक्ष है वो बिल्कुल साधुत्व की ओर बढ़ चुका है, संतत्व की प्राप्ति हो चुकी है। इन लोगों को एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज डिसबैंड कर देनी चाहिए अपनी और एक एनजीओ खोल देना चाहिए, और उस एनजीओ का चूंकि घोषित कोई गोल भी नहीं है, नरेंद्र मोदी को हराने के अलावा इनकी अपनी कोई स्वतंत्र विचारधारा तो है नहीं, ये एक विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन इनकी विचारधारा क्या है ये क्लियर भी नहीं है। तो मुझे लगता है देश का बहुत भला होगा अगर ये सारे साधु संत एक साथ चले आएं और कहें कि हमें देश का समाज का भला करना है, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री बनना नहीं चाह रहा। इतने भोले लोग हैं ये कि राजनीति में 40-40 साल 50-50 साल राजनीति करने के बाद भी इनको कोई लालसा नहीं है पद की, ना तो इन्होंने पद के लिए बिहार में जो भी ड्रामा हुआ ना तो पद के लिए ड्रामा हुआ। तो ऐसे साधु संतों को पा करके तो देश की जनता धन्य हो चुकी है। ऐसा विपक्ष कभी देखा ही नहीं हमने कि जिसमें कोई प्रधानमंत्री बनने की रेस में है ही नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी को सब हराना चाहते हैं। किस पॉइंट पे हराना चाहते हैं, क्यों विरोध है उनका, इस बात को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। चलिए वो भी हम भूल जाते हैं, शायद डेवलपमेंट का इशू होगा इनका, बहुत तेजी से चाहते होंगे विकास हो। वो 10 पॉइंटर्स भी आज विपक्ष की तरफ से नहीं है कि वो किन मुद्दों पे काम करना चाहते हैं। ठीक है मोदी जी ने गैस सिलेंडर अगर दिलवाया सबको, और वो जो कि है जो कि घोषित रूप से एक बहुत बड़ी एक बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम वो रही, इनकी कौन सी स्कीम होगी? राइट टू एजुकेशन 2004 के जब चुनाव हुए थे तो शायद राइट टू एजुकेशन आया था, मतलब पिछला जो चुनाव था जिसमें कांग्रेस जीती थी वो राइट टू एजुकेशन के बल पर जीती थी। तो कोई ऐसा ही राइट लेकर के वो आते, कुछ तो होता।
लेकिन ये सिर्फ देश की जनता को ये इतनी भोली या इतनी बेवकूफ समझते हैं कि वो ये बोलें और हम इनका चरणोदक लेकर के और राम नाम भजें। भाई क्यों हैं आप राजनीति में? मुझे तो इसलिए, मैं तो कई बार ये चीज़ कहती हूँ रूबिका जी, कि मुझे ना साफ सफाई से जो लोग होते हैं वो ज़्यादा पसंद होते हैं। लोग मतलब पार्टीज की मैं बात कर रही हूँ। आपका घोषित एज अ पॉलिटिकल पार्टी, आपकी घोषित राजनीति क्या है बताइए तो? आप क्यों साथ आना चाह रहे हैं? भारत को जोड़ना है भाई, भारत खंडित कब हुआ? ये बात हेमंत बिस्व शर्मा ने कही वो सोचने वाली है ना भाई। एक ऐसे स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो पिछले कुछ ज्यादा नहीं कुछ सालों पहले इंसर्जेंसी से जूझ रहा था, वो चीफ मिनिस्टर आके कह रहे हैं कि भाई हमें तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं। और सही बात है भाई, भारत कभी खंडित हुआ ही नहीं, तो उसको जोड़ने की कौन सी बात? पता नहीं कौन है इनके कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, जनता जनभावना का संपान है इनके मन में, इनको थोड़ा सा भी इल्म है कि। मैं सापरा साहब चाहूंगी कि आप बताइए और सोमनाथ सिंह रॉय भी हमें बताएं क्या वजह है। रूबिका जी एक चीज मैं बता दूं, ये आइडिया ऑफ वन इंडिया है ना, ये डावोस डूड्स का ये जो डावोस डूड्स हैं उनका लाया हुआ आइडिया है। ये आपके किंग्स कॉलेज लंदन में एक प्रोफेसर हैं जो अब नहीं है वहां पर काम कर रहे हैं, ये उनका लाया हुआ कॉन्सेप्ट है। हर चीज तो चुराई हुई है इनकी। एक बौद्धिक खुद की विचारशीलता हो तो आप मुझे बताइए इंडिया की क्या बात है भाई। आइडिया ऑफ इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा एक यूनिफाइड फोर्स है। एब्सोल्युटली ठीक है, इस पर बात हो जाए। आज मुद्दा मिशन इम्पॉसिबल, क्या हो पाएगा पॉसिबल और क्या है वो मिशन इम्पॉसिबल कोट अनकोट, कि क्या 2024 में सब एकजुट होकर एक चेहरे के पीछे यानी उस लीडर के पीछे चुनाव लड़ेंगे मोदी के खिलाफ, ये बड़ा सवाल है। और शुरुआत इसकी हुई है भारत जोड़ो यात्रा से, जो अब से कुछ ही देर में शुरू भी हो जाएगी औपचारिक तौर पर। शिवम त्यागी, क्या ये हो पाएगा? रूबिका जी, जिसके नाना जी ने कुर्सी के लिए भारत को तोड़ दिया था, वो आज भारत जोड़ो यात्रा लेकर चले हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर जोड़ना ही था तो जो हिस्सा तोड़ा था उसको जोड़ देते। दूसरी बात ये भी है कि ये इस देश के लिए, आपके लिए और इस पैनल पे बैठे हुए सभी लोगों के लिए गर्व और गौरव की बात है कि इस देश में राहुल गांधी 150 दिन पहली बार एक साथ रहेंगे। मतलब मुझे इस बात की उम्मीद कम है और मीडिया का काम अच्छा खासा इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वाकई क्या 150 दिन वो इस देश में रहेंगे? क्योंकि आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है गृह मंत्रालय के रिपोर्ट्स के मुताबिक। एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर हम यहाँ टोटल इसकी बात करें कि भारत जोड़ो यात्रा में वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी ऑपोजिशन पार्टीज तो उनके साथ आएंगी ही नहीं, वो तो खैर संभव ही नहीं है, लेकिन क्या वो अपनी पूरी पार्टी को भी इस दौरान साथ रख पाएंगे? नहीं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। जब से राहुल गांधी कोट अनकोट अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, तब से अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर 52 में से 44 चुनाव कांग्रेस हारी है, ज्यादातर सीजन लीडर्स छोड़कर चले गए हैं, पार्टी का बहुत बुरा हाल है। मैं तो ये कहता हूं कि मंगल ग्रह के लिए इस दुनिया में 61 साल में 58 बार लॉन्च हुआ है, 23 बार तो वो भी सफल हो गए, लेकिन राहुल गांधी का लॉन्च हमेशा ही असफल रहा है। विपक्ष की जो तैयारियां हैं, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है अपने आप को लॉन्च करने का, रीलॉन्च करने का, लेकिन ये इस देश के लिए अपने आप में बहुत अपमानित करने वाली बात भी है कि एक राजशाही परिवार के बेटे को इतनी बार लॉन्च किया जा चुका है कि अब तो देश भी थक गया। मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन पहले रॉय साहब अपनी बात रख रहे। रॉय साहब, राहुल गांधी के नाम पर आपकी सहमति, आपकी पार्टी की सहमति, आपकी नेता की सहमति हो पाएगी? रूबिका जी, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो आज डिबेट का जो आज हेडलाइन है मिशन इम्पॉसिबल, अब सही बोला है, मिशन इम्पॉसिबल। मोदी जी जैसे मैजिशियन होगा तो मिशन इम्पॉसिबल ही रहेगा। अब देखिए ना, हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु जैसे कोरप्टेड पॉलिटिशियन लोग, मोदी जी जैसे मैजिशियन के हाथ में आने का बादशाह साधु हो गया। देखिए ना, कोई भी स्टेट में बीजेपी हारता है तो मोदी जी का मैजिक से वो स्टेट भी बीजेपी का हाथ में चला जा रहा है। आप देखिए ना, आज पेट्रोल और डीजल का भाव एक मैजिशियन नहीं कहां से कहां पहुंच सकते हैं वहां पर पहुंच दिया है। सिर्फ ये नहीं है, आप देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ये मैजिशियन ही कर सकते हैं। मोदी जी जैसे मैजिशियन जितना दिन तक ये देश में है, मिशन इम्पॉसिबल है। आप लोग इतना डर गया, मैं बीजेपी वाले को देख रहा था, डर गया। राहुल गांधी का कुछ नहीं है, 40 सीट्स मिला था, फिर भी
एक यात्रा कर रहे हैं 3700 किलोमीटर का, ऐसा 570 किलोमीटर का ऐसा यात्रा कर, फिर भी आप देखिए हर टीवी चैनल उसका खिलाफ बोलना चालू कर दिया, क्योंकि बीजेपी डर रहा है अगर हो सकते हैं राहुल गांधी यहां से वापस करे। कांग्रेस, मैं कांग्रेस नहीं करता हूं लेकिन मैं जानता हूं कांग्रेस का इतिहास देखिए, ये 125 बार ये पार्टी तोड़ा, फिर भी आज और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कहने वाले सबसे जो सेकुलर पार्टी है इंडिया में, वन ऑफ द सेकुलर पार्टी का नाम है कांग्रेस। ये देश को भाग करने का चक्कर में नहीं है, मैं कांग्रेस नहीं हूं, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके आया था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स जब करते थे हम लोग को लीडर बोलता था उस टाइम। देश तभी दुर्बल होगा, वीक होगा, जब कांग्रेस वीक होगा। कांग्रेस वीक हुआ, ये सोनिया गांधी राहुल गांधी उसका बारे में यहाँ पर जो कांग्रेस का जो स्पोक्स पर्सन बैठा है वो बोलेंगे, लेकिन ये बात सही है कांग्रेस को स्ट्रांग होना चाहिए। राहुल गांधी का ये प्रयास अगर कांग्रेस को स्ट्रांग करना कर पाए तो देश के अपोजिशन के लिए अच्छा होगा। तो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार अपना अपना लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, कह दीजिए ना कि अपनी ताकत सारी की सारी कांग्रेस को दे। रुबिका जी आप छूट के ही आए ना रुबिका जी, आप ये नहीं मान, रुबिका जी आप ये नहीं मानते है क्या डेमोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रहना जरूरी है, ये नहीं मानता है क्या? मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, मैं मानता हूँ अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होना जो पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी के लिए सबसे अच्छा है। और आप लोग क्या करना चाहते हैं, सिर्फ राहुल गांधी एक भारत जोड़ो पदयात्रा तो होना चाहिए। राहुल गांधी का अगेंस्ट नहीं, राहुल गांधी के अगेंस्ट क्यों सर, हमने तो एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी पूरा टाइम चमक रहे हैं टीवी पर, एक एक चीज उनकी चलाई जा रही है और आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के अगेंस्ट है। यहाँ पर कोई किसी भी लीडर के खिलाफ नहीं बोल सकते सर, पर्सनल अटैक कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर, और अब करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट हिज पॉलिटिक्स, योर पॉलिटिक्स, योर मैडम्स पॉलिटिक्स। अरे मैडम मैडम, अच्छा मैं एक मिनट, टीवी में आने के आप पीटर मुखर्जी इंद्रानी मुखर्जी को दिखा रहा था हर टाइम टीवी में, इसका मतलब ये नहीं है आप उसका फॉर्म में बोल रहा था, उसका अगेंस्ट में बोल रहा था। राहुल गांधी को दिखा रहे हैं उसका, राहुल गांधी ये कर रहा है, राहुल गांधी इंद्राणी मुखर्जी से, राहुल गांधी से बीजेपी डर रहा है, ममता बनर्जी नीतीश कुमार से डर रहा है, इसीलिए अभी हर चैनल में राहुल गांधी को मर्डरर बता रहे हैं। बताइए उसको अगेंस्ट में बोलो, आपका क्या प्रॉब्लम है? एक पॉलिटिकल पार्टी, एक क्राइम की स्टोरी थी, अगर उसका प्रोग्राम क्या कर रहे हैं आप, माना आप पॉलिटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं राहुल गांधी, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका आईक्यू लेवल इतना डाउन हो जाएगा कि आप खबर को खबर मानने से इनकार कर देंगे। इतनी बार तो इस देश के किसी नेता की लॉन्चिंग नहीं दिखाई होगी इस देश की मीडिया ने जितनी राहुल गांधी की दिखा दी। सापरा जी जवाब दीजिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का उसका इतना अधिकार नहीं है? सोमनाथ सिंह रॉय, आज आप मुझे सोमनाथ सिंह रॉय कम, निरुपमा रॉय ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप इतना इमोशनल हो रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, मैं तो कह रही हूँ सर भारत जोड़ो यात्रा छोड़िए आप, ये जितनी भी पार्टियां कांग्रेस से टूटी हैं उनको जोड़ दीजिए आप, और शुरुआत आप टीएमसी से कीजिए, टीएमसी को कांग्रेस के साथ जोड़ देना चाहिए सर। मैं आम आदमी हूँ, मैं जानता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट ये देश के लिए खतरा है। हाँ ठीक है सर, सापरा जी जवाब दीजिए, आपने एक वोट अपने नाम कर दिया, आज भारत जोड़ो यात्रा शुरू करके आपने सिंह रॉय साहब का वोट अपने नाम कर लिया, मुबारकबाद सर, घर में बैठे शुरुआत हो गई आज से। कितना कितना खतरनाक पार्टी है, समझ गई सर। समझ गई सर, सापरा जी मुबारकबाद हुई है, और धीरे धीरे जब ये 3570 किलोमीटर की यात्रा जब खत्म होगी, 150 दिन का जो ये प्रवास है, जो पदयात्रा है, ये पूरी होगी, तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि तब तक कांग्रेस पार्टी का जनसंवाद बढ़ जाएगा, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। इसीलिए शिवम त्यागी जैसे जो प्रवक्ता है वो बौखला जाते हैं, मैं उनकी ओछी बातों में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सच्चाई भी बतानी जरूरी है कि भाई आज दौर क्या है। सर आप इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं क्या सपला जी, कांग्रेस वाले मूर्ख समझते हैं क्या? 150 दिन पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी तो जनता का संवाद जुड़ जाएगा आपसे, बाकी के 175 दिन तो देश से बाहर रहते हैं, आज 150 दिन रहकर चुनाव के करीब आके आप बोल रहे हैं। शिवम त्यागी जी बीच में हैं, सापरा जी को अपनी बात बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ सर सापरा जी बोलिए। तो जनता को ये भी बताना जरूरी है कि आज जुमलों और झूठ का दौर जो है वो आ गया है,
इन्होंने क्या किया, वादा खिलाफी की देश के नौजवानों से, वादा किया कि 2 करोड़ नौकरियां हम प्रति वर्ष देंगे और फिर खड़े कर दिए वादा खिलाफी में। मेरी बात पूरी होने दीजिए रूबिका जी, आपने के बाद मुझे मौका दिया, मेरी बात पूरी होने, अच्छा ठीक है, 30-40 सेकंड आपको देने पड़ेंगे। हाँ मैं 30 सेकंड देती हूँ, टाइमर लगा देती हूँ। हाँ लगाइए। हाँ, तो ये वादा खिलाफी, इसके बाद में जिस तरह से जीएसटी लगी है जीवन आवश्यक वस्तुओं पर, या पेट्रोल डीजल जिस तरह से महंगा हुआ है, आपने पेट्रोल डीजल के माध्यम से 27 लाख करोड़ रुपया कमाया पिछले 8 वर्षों में, मुनाफाखोरी की है। हाँ, तो ये आपकी मुनाफाखोरी, वादा खिलाफी और जो झूठ और लूट चल रही है, इसके खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा है ये राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं। और इस पर पर्दा डालने के लिए आप क्या करते हैं, आप जातिवाद का सहारा देते हैं, आप बातें जब समय आता है तो पर्दा डालने के लिए आप बातें करते हैं, रमजान शमशान इस तरह की बातें आप करते हैं, कब्रिस्तान की बातें, हलाल हिजाब, ये तमाम सारी बातें करके आप ध्रुवीकरण को फैलाते हैं समाज के अंदर। जातिवाद के जरिए से और ध्रुवीकरण के जरिए से जो जहर फैल रहा है, उस जहर को फैलने से भी रोकना है, वो जहर भारत को तोड़ रहा है, ठीक है, और इसीलिए आप भारत को जोड़ रहे हैं, ठीक है, आपको शमशान कब्रिस्तान, आपको 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 ये सब तो याद रहता है, लेकिन भगवा आतंकवाद आपको याद नहीं रहता है, यहीं पर आकर आप तोड़ देते हैं ना सर मामला, और फिर आप कहते हैं हम भारत को जोड़ रहे हैं। मेरे पास वक्त की कमी है सर, लेकिन ये सोच लीजिए ना, ये समझ लीजिए कि आप एक पक्ष के को लेकर तो बहुत एकदम वोकल हो जाते हैं और दूसरे को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं, उसके अगेंस्ट रहते हैं, और इसीलिए फिर कहा जाता है कि आप डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी खेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।